चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। जैसा कि सुबह में लाइव ले रहे थे तो आज के क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण नहीं चल पाया क्लास, इसलिए हम बोले थे कि आपको 4 बजे क्लास मिल जाएगा। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं। देखिए आज के क्लास में जो है कि साइंस का MCQ है, जो कि आज के क्लास में 30 MCQ होंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या है? स्त्री केसर के आधार पर क्या होता है, वर्तिकाग्र, पुष्पासन, अंडाशय या फिर वर्तिका? यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले स्त्री केसर में यहाँ पे देखिए होता है आधार पर होता है यहाँ पे, फिर इसके ऊपर इस तरह होता है और यहाँ पे वर्तिकाग्र होता है। ऊपर में जो होता है वर्तिकाग्र होता है, यहाँ से यहाँ तक जो होता है यह वर्तिका होता है, वर्तिका। और जो नीचे होता है आधार पर जो भाग होता है, आधार पर जो भाग होता है यह अंडाशय होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडाशय बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए किसे बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? बर्थ हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है यहाँ पर बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर तो थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे सीक्रेटिन और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर बतलाइए सभी लोग कि बर्थ हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, बर्थ हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है यहाँ पर बतलाइए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को जाना जाता है बर्थ हार्मोन के नाम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को निर्धारित करता है? वह कौन सा हार्मोन है जो कि कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है रक्त में? ग्लूकोजन, ACTH, इंसुलिन, पैराथार्मोन, बतलाइए यहाँ पे वो कौन सा हार्मोन है, यहाँ पर बतलाइए सभी लोग। चलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पैराथार्मोन हो जाएगा, पैराथार्मोन, या फिर इसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, थायरॉयड, पैराथायरॉयड हार्मोन भी इसको बोलते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन भी बोलते हैं या फिर पैराथार्मोन इसको बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पारे का प्रमुख अयस्क, पारे का प्रमुख अयस्क क्या है, सिनेबार, पाइराइट, बॉक्साइट या फिर हेमेटाइट? क्या होगा यहाँ पे पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? तो कल के हम क्लास में यहाँ पे बतलाए थे कि पारे का जो प्रमुख अयस्क है वो सिनेबार हो जाएगा और बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, और पारा का जो होता है वो सिनेबार होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन? कौन सा यहाँ पे हार्मोन है जो कि मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, यहाँ पर बतलाइए सभी लोग, सभी लोग यहाँ पर बतलाइए। आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूलैंड्स ने, डोबेराइनर ने, मेंडलिफ ने या फिर मोसले ने, किसने किया था यहाँ पे बताइए। तो आधुनिक आवर्त नियम का जो प्रतिपादन है वो मेंडलिफ ने, मोसले ने किया था, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले ने किया था, मोसले हो जाएगा, मोसले, ऑप्शन नंबर डी, मोसले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों द्वारा होने वाला परागण को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, एंटीनोफिली या फिर ऑर्निथोफिली? पक्षियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो सबसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली है जो कि जल द्वारा परागण होता है, एनिमोफिली, एनिमोफिली किसके द्वारा होता है,
एनिमोफिली हवा द्वारा होता है, हवा द्वारा। एंटीमोफिली होता है कीट द्वारा, कीट द्वारा एंटीमोफिली। और ऑर्निथोफिली जो है वह होता है पक्षियों द्वारा परागण, पक्षी द्वारा ऑर्निथोफिली। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से देखिए, हाइड्रोफिली जल द्वारा, एनिमोफिली हवा द्वारा, एंटीमोफिली कीट द्वारा, और ऑर्निथोफिली जो है वो पक्षी द्वारा होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब, यहाँ पे देखिए किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है। यहाँ पे आवेश कितना होगा, कितना आवेश प्रवाह होगा, यही हम लोग का निकालना है। तो देखिए आवेश यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है विद्युत धारा I, I बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर होता है क्यू बाई टी, यहाँ पे होगा I बराबर क्यू बाई टी। इसको हम लोग Q बराबर निकालना है तो Q आवेश बराबर हो जाएगा I T। I का मान दिया है 0.5 एम्पियर गुना T दिया है कितना 10 मिनट, और इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ता है, इसलिए इसको सेकेंड में हो जाएगा। तो इसको देखिए गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 कूलाम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 300 कूलाम कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 200 कूलाम, 120 कूलाम, 60 कूलाम, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ नहीं है 3000 है यहाँ पे, लेकिन इसको आप लोग जो है सी यहाँ पे 300 कूलाम हो जाएगा, यहाँ पे जो है 300 कूलाम हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट इसको मार लीजिए जल्दी से, या फिर इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु ए अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं उसको यहाँ पे सभी लोग बतलाइए। तो उसको बोलते हैं विद्युत लेपन, विद्युत लेपन इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए विद्युत लेपन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नांकित में से किसे मास्टर अंतः ग्रंथि कहते हैं, मास्टर अंतः ग्रंथि किसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को, थायरॉयड ग्रंथि को, एड्रिनल को, या फिर यकृत को, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को ही बोलते हैं इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी का? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है चालक का प्रतिरोध R, R इज इक्वल या फिर R समानुपाती L अपॉन A। इस समानुपाती को चिन्ह को हटाते हैं तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो निर्भर करता है वो चालक की लंबाई L पर बिल्कुल करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल बिल्कुल करता है, और चालक की प्रकृति यानी कि प्रतिरोधकता इसको पर भी करता है, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन धातु तार के रूप में उपलब्ध है, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या फिर पीबी यानी कि लेड, कौन सा है। और सबसे पहले कि इसका परमाणु क्रमांक कितना कितना होता है देखते हैं, कॉपर का कितना होता है 29, मैग्नीशियम के 12,
कैल्शियम के 20 और लेड के होता है 82। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोधक परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए रियो स्टेट का प्रयोग करते हैं, रियो स्टेट, और रियो स्टेट को हिंदी में धारा नियंत्रक बोलते हैं, धारा नियंत्रक, रियो स्टेट, धारा नियंत्रक। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? लाल, नीला, बैंगनी, या फिर हरा। यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रम है, मान लीजिए एक प्रिज्म है, इधर से प्रकाश जाता है, तो सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है? इस तरह से 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा जो झुकाव होता है वो बैंगनी रंग का होता है, ऑप्शन नंबर सी बैंगनी। और सबसे कम झुकाव ऊपर में यहाँ पे होता है लाल, और सबसे जो नीचे होता है वो होता है बैंगनी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक झुकाव बैंगनी, और सबसे कम होता है लाल, सबसे कम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित विकल्पों में दिया गया कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका विभाजन में कौन होता है, कोशिका विभाजन में सहायक कौन सा हार्मोन होता है यहाँ पर बतलाइए, और वो पादप हार्मोन है। तो देखिए यहाँ पे पादप हार्मोन तो सभी है, ऑक्सीजन भी है, जिब्रेलिन भी है, साइटोकाइनिन और इनमें से सभी हार्मोन तो सभी है, लेकिन जो कोशिका में विभाजन करता है वह साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना होता है, और एक आवर्त की संख्या कितना होता है, ये दोनों को बतलाना है, आवर्त हो गया और ये वर्ग हो गया। देखिए इस तरह से जो कॉलम रहता है और इधर जो ऊपर नीचे है वह वर्ग है, वर्ग की संख्या 18 है, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह 18 है वर्ग की संख्या, और जो नीचे जो आवर्त है, आवर्त की संख्या जो होता है वो 1, 2, 3 इसी तरह 7 होता है, आवर्त की संख्या 7 होता है जो कि इस तरह से रहता है, और वर्ग की संख्या ऊपर से नीचे की ओर जो कि 18 होता है। तो यहाँ पे वर्गों की संख्या पूछा है तो 18 हो जाएगा, अगर यहाँ पे आवर्त पूछता तो 7 हो जाता है, आवर्त अगर पूछता तो 7 हो जाता है, और वर्ग पूछा है तो वर्ग हो जाएगा 18, वर्ग हो जाएगा 18। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का तो एक बार बतला दीजिए सभी लोग, यहाँ तक सभी का क्लियर है तो बतला दीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पत्तियों द्वारा कायिक का उदाहरण है आलू, ब्रायोफाइलम, प्याज, या फिर गुलाब। पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलम का उदाहरण क्या होगा, कायिक उदाहरण है ब्रायोफिलम का, यहाँ पे पत्तियों द्वारा कायिक उदाहरण यानी कि कायिक प्रजनन करने वाले, कायिक प्रजनन। और ये कैसे होता है, ये मान लीजिए कि पत्ती है, और यही पत्ती जब जमीन पर गिरता है तो यहाँ से नई पौधे का विकसित हो जाता है, यहाँ से नई पौधे का विकसित हो जाता है, इसी को कायिक बोलते हैं। तो ब्रायोफिलम हो जाएगा, ब्रायोफिलम। अगर यहाँ पे पत्तियों की जगह मान लीजिए कि तना बोलता है तो आलू में इस तरह से होता है, आलू यहाँ पे होता है इस तरह से, और यहाँ से एक नए आलू के पौधे का विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रायोफिलम हो जाएगा पत्तियों में, ब्रायोफिलम की पत्तियों में कायिक प्रजनन होता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को तो एक बार बतला दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, या इन सभी के साथ, किसके साथ अभिक्रिया करता है? सोडियम और पोटेशियम जो है वो तेज़ी से अभिक्रिया करता है
ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि घरों में विद्युत ऊर्जा सप्लाई होता है 200 हर्ट्ज 50 वोल्ट, 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट, 100 हर्ट्ज 200 वोल्ट या फिर 20 हर्ट्ज 220 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए जो घरों में एसी से आता है, एसी में जो होता है वो 50 हर्ट्ज, इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन अलग से आ सकता है। एसी में कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है और 220 वोल्ट पर आता है, 220 वोल्ट पर आता है, 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, आयरन, एल्यूमिनियम, यहाँ पे गोल्ड या फिर पोटेशियम, क्या हो जाएगा बतलाइए। निम्न में से कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, तो वह क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा और एक होता है सिल्वर, गोल्ड होता है और एक सिल्वर होता है, सोना और चांदी, जो कि एनसीईआरटी आपके लाइन में दिया है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि सोना और चांदी जो है कि अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब इसका परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, तो सबसे पहले आयरन दिया है, आयरन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 26 होता है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, तो एल्यूमिनियम का 13 होता है, और यहाँ पे AU यानी कि गोल्ड का कितना होता है, तो गोल्ड का होता है यहाँ पे 79 होता है, इसी तरह यहाँ पे एक सिल्वर होता है Ag, सिल्वर का होता है 47 और एक होता है पोटेशियम, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है, पोटेशियम का कितना होता है आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है, पोटेशियम का कितना होता है कमेंट बॉक्स में बतलाना है। बाकी यहाँ पे हम चार बतला दिए, आयरन का 26, एल्यूमिनियम 13, गोल्ड 79 और सिल्वर का 47 होता है, बाकी आपको पोटेशियम का कमेंट बॉक्स में बतलाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है जल में, अल्कोहल में, पेट्रोल में या फिर किरोसिन में, सोडियम धातु को कहाँ पर डुबाकर रखा जाता है बतलाइए। तो किरोसिन में, सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है, ये आप लोग क्वेश्चन 10 क्लास में जरूर पढ़े होंगे कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह बतलाइए किरोसिन तेल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में से कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या इनमें से सभी, किसी को मालूम है तो आप लोग बतला सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड या फिर प्रोपेनोइक एसिड, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, सिरका का रासायनिक नाम बतलाइए, रासायनिक नाम क्या होता है, सिरका का जो रासायनिक नाम होता है वो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल यहाँ पे होता है एसिटिक अम्ल, और इसका CH3COOH होता है, और एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी पर देखिए दिया हुआ है एथेनोइक, एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, और सिरका का रासायनिक नाम एथेनोइक अम्ल ही होता है या फिर एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं, एथेनोइक अम्ल, और इसका होता है CH3COOH, CH3COOH इसका होता है रासायनिक सूत्र, नोट आप लोग करते जाइएगा। इसके बाद देखें यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत जनित्र में
यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत जनित यानी कि जनरेटर, जनरेटर जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये सभी को मालूम होगा कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जनरेटर जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो सभी लोगों को मालूम होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है और अम्ल को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, यहाँ पर बताइए। देखिए अम्ल को अगर जल में घोलते हैं तो हम लोगों को H+ आयन मिलता है, और क्षार को अगर जल में घोलते हैं तो हम लोगों को OH- आयन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए क्षारक को घोलने पर OH- और अम्ल को घोलने पर H+ आयन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन? क्या है सबसे अधिक अभिक्रियाशील? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर आयोडीन? तो सबसे अधिक जो क्रियाशील होता है वो फ्लोरीन होता है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। फ्लोरीन का परमाणु 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का 17, और ब्रोमीन का जो होता है वो 35 होता है, और आयोडीन का जो होता है वो होता है 53। आयोडीन का 53, इसका हो गया 17 और फ्लोरीन का 9। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए उसका फ्लोरीन हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु हैं? केचुआ, मछली, शेर या फिर बकरी? सबसे पहले जानना होगा कि एक लिंगी और उभयलिंगी किसको कहते हैं। एक लिंगी मतलब कि किसी जीव में एक ही लिंग होते हैं, नर या फिर मादा, जैसे कि मनुष्य, मछली हो गया, शेर हो गया, बकरी हो गया, और द्विलिंगी में होता है केचुआ। एक ही जंतु में, एक ही जीव में होते हैं दोनों, नर एवं मादा दोनों। तो जैसे में होता है केचुआ, और केचुआ के अलावा और क्या क्या होता है? देखिए केचुआ हो गया, एक होता है जोंक होता है, स्पंज होता है, एक क्वेश्चन आया हुआ था BSc नर्सिंग में आया हुआ था, जोंक हो गया, और एक और था टेप वर्म होता है। ये सभी जो है वो उभयलिंगी जंतु हैं, नोट आप लोग करते जाइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? पारद, जिंक मिश्र धातु, अम्लगम, आयरन मिश्र धातु, तो इसको अम्लगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर सी अम्लगम इसको कहते हैं, अम्लगम ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चांदी का अयस्क क्या है? बॉक्साइट, क्यूपराइट, अर्जेंटाइट या फिर हेमेटाइट? क्या हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए, चांदी का अयस्क यहाँ पे क्या हो जाएगा बतलाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्जेंटाइट, चांदी का अयस्क होता है अर्जेंटाइट, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तो यही है आज के क्लास का टॉप 30 MCQ, और आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं कि आपको यहाँ पे पोटेशियम का परमाणु संख्या बतलाना है कमेंट बॉक्स में, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है बतलाना है। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।